जय जोहार, जोहार रायपुर मा सब्बो दर्शक मन के स्वागत हे। मैं हूं बबीता। अब बढ़थन खबर मंडहार, सबले पहली देखथन खबर के सुर्खी मन ला। निजी स्कूल मन मा बीपीएल लइका मन के प्रवेश ला ले के गरमाई सदन, सत्ता पक्ष के विधायक ह लगाइस आनाकानी के आरोप। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता मन हा विधानसभा ला घेरे के करिस कोशिश, पुलिस हा 1000 कार्यकर्ता मन ला भेज दी जेल। अब पानी के समस्या ला लेके महापौर हा पहुंची सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियंता ले निजात दिलाए के करिस मांग। अब खबर विस्तार मा। सत्ता पक्ष हा सत्र के मौका मा अपन ही सरकार के मंत्री ला घेरे बर लगे हवे। बुधवार के देवजी भाई पटेल हा निजी स्कूल मन मा अनियमितता के मामला ला उठाइस, जेमा मंत्री हा सफाई ले जवाब दे के कार्रवाई करे के बात कहिस। बुधवार के सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक देवजी भाई पटेल हा आरटीई के धज्जियां उड़ाए जाए के बाद सदन में बताइस। देवजी के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूल प्रबंधन कोती ले बीपीएल परिवार के लइका मल्ला प्रवेश नहीं होते, वहां शिक्षा विभाग ऊपर खास तौर में आरोप लगाइस कि स्कूल शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते निजी स्कूल प्रबंधन बेलगाम हो गए है। वहीं शासकीय स्कूल मां शासन के नियम कानून के धज्जियां उड़ाए जाते। राज्य शासन हा शैक्षणिक सत्र 2018 के शैक्षणिक कैलेंडर मां 15 जून ले स्कूल खोले के निर्देश जारी करेस, मगर नामी गिरामी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सहित सबो निजी स्कूल एक महीना पूर्व ही मई 2018 में खुल गईस। जहां एक कोती स्कूल मन कोती ले 12 महीना के शुल्क वसूले जाते, उन्हें सबो क्लास मां सबो लइका मन ले प्रवेश शुल्क के नाम मां 10,000 रुपए ले 35,000 तक के फीस वसूले जाते। शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के धज्जियां उड़ाए जाते। रायपुर क्षेत्र के 35 स्कूल हा अल्पसंख्यक वर्ग ला छूट के बहाना कर आरटीई के तहत बीपीएल लइका मन ला प्रवेश दे ले इनकार कर दीस। वह कहिस कि ना ता उमन के तीर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग दिल्ली के और ना ही संचालक आदिम जाति विभाग के प्रमाण पत्र है। जिन 35 निजी स्कूल मां शिक्षा विभाग आरटीआई के दायरा ले अलग माने हैं, उन्हें अल्पसंख्यक के लइका मन के प्रवेश संख्या नगण्य है। आज मैंने शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है आरटीआई के संबंध जो शिक्षा अधिकार कानून के तहत जो शासकीय और अर्धशासकीय शालाओं में जो बच्चों को प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है गरीब बच्चों को, उसके संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था। माननीय मंत्री जी ने जो है जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उस संस्थाओं में प्रवेश यथोचित ढंग से जो है पूरे प्रदेश में उन्होंने दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 4,00,000 बच्चों को जो है प्रवेश दिलाया गया। मगर जहाँ तक आरटीई के तहत जो है कई ऐसी संस्थाएँ हैं, कई ऐसी स्कूल हैं जो प्राइवेट तरीके से चल रही है और जिसमें लाखों रुपए का जो है वहाँ पर लोगों से जो है पैसा की मांग की जाती है, एडमिशन के नाम से, डोनेशन के नाम से मांगी जाती है। आरटीई के तहत जो है उनको छूट प्रदान करने का माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो अल्पसंख्यक या धार्मिक शिक्षा देने वाली 2012 में जो है अधिकार कानून के तहत जो है एक संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है ये ऐसी संस्थाएं जो मदरसे हैं या धर्म की शिक्षा देने वाले या अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग को शिक्षा देने वाले उन संस्थाओं को छूट दिया है। मगर इन संस्थाओं के द्वारा जो है केवल यही राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा यही खानापूर्ति की जाती है। विधायक देवजी भाई पटेल के आरोप ला स्कूल शिक्षा मंत्री हा निराधार बतात हुए सदन में जानकारी दीस के प्रदेश के समस्त विद्यालय मां शैक्षिक क्रियाकलाप के संचालक शैक्षिक समय सारिणी के अनुसार करे जाते। शासकीय और अशासकीय विद्यालय मां सत्र 2018-19 बर शिक्षण कार्य 18 जून 2018 ले प्रारंभ है। स्कूल शिक्षा विभाग कोती ले मध्यान भोजन के क्रियान्वयन और ग्रीष्मावकाश मां समर कोर्स हेतु कार्यवाही करे गए है, जेखर ले छात्र मां शैक्षिकेतर गतिविधि के अंतर्गत ओखर सर्वांगीण विकास हो सके। शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होए के पूर्व शाला खोले संबंधी कोनो प्रकार के शिकायत नहीं है। राज्य में शिक्षा के अधिकार कानून के कड़ाई ले पालन करे जाते। अशासकीय निजी विद्यालय जिन अल्पसंख्यक प्रबंधन कोतिले संचालित है ओखर संविधान के धारा 29 और 30 अंतर्गत आरटीई एक्ट के क्रियान्वयन ले छूट प्राप्त है। अतः ये कहना के अल्पसंख्यक प्रबंधन कोतिले संचालित शाला कोतिले आरटीई एक्ट के धज्जियां उड़ाए जाते सही नहीं है।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग कोती ले ए सत्र मा 127 हाई स्कूल ला हायर सेकेंडरी और 53 पूर्व माध्यमिक शाला मनला हाई स्कूल मा उन्नयन के आदेश जारी करे जा चुके है। 74 पूर्व माध्यमिक शाला ले हाई स्कूल मा उन्नयन हेतु आदेश संबंधी कार्य प्रचलन मा है। आदेश के प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ला आवश्यक कार्यवाही बर निर्देशित करे जा चुके है। शिक्षा के अधिकार के तहत में जो RTA के तहत में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत में वर्तमान में पूरे प्रदेश में जो निजी स्कूलों में लगभग 2,08,504 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और माननीय सदस्य ने उनके फीस को लेकर के और उनके उसके लेकर के चिंता व्यक्त की है। और जो हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण निजी स्कूल हैं, उन निजी स्कूलों के पात्रता को लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और RTA के तहत में जो प्रावधान है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से हो या फिर अनुसूचित जनजाति के हमारे कमिश्नर या संचालक के माध्यम से जिसको मान्यता दी गई है, उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम से वंचित रखा गया है और वो चाहते हैं कि उनको उन संस्थाओं में प्रवेशित कराएँ। तो हमारी मैं इस विषय को फिर से एक बार मैंने कहा है कि एक बार पीछे हम देख लेंगे, केंद्र से हम मार्गदर्शन मांगें कि हम यदि मान लो आवश्यक होगा तो उन विद्यार्थी को यदि वहां पर प्रवेशित कराने की अनुमति मिलती है तो उनको हम प्रवेशित भी कराएंगे। हमन आप अल्लाह बता दिन के सदन में सत्ताधारी दल के विधायक ही मंत्री ला घेरे में पीछे नहीं है, एकर फायदा विपक्ष ला घलोक मिलते। कई घाव सत्ता पक्ष को तीले घेरे जाए ऊपर विपक्ष हा ओखर साथ दे के सदन ला गरमा घलोक दीस। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। उर्गा मार्ग में चला सड़क निर्माण के काम में लापरवाही ला लेके कांग्रेस विधायक हा ध्यानकर्षण के दौरान मंत्री ले जानकारी मांगिस, जे मा मंत्री हा कोनो भी प्रकार के लापरवाही ले साफ मना कर दिस और सड़क निर्माण में गुणवत्ता ले काम होए के बात कहिस। मानसून सत्र के तीसरा दिन कांग्रेस विधायक मोतीलाल देवांगन हा सीपत ले बलौदा होत हुए उर्गा तक सड़क निर्माण में होवत अनियमितता ऊपर ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री ले जवाब मांगिस। विधायक मोतीलाल हा आसंदी के माध्यम ले मंत्री ले पूछिस के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोती ले 90.73 करोड़ रुपए के लागत ले सीपत ले बलौदा होत हुए उर्गा तक 41.26 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में निर्माणकर्ता ठेकेदार हा जमकर लापरवाही बरते है। लगातार हिदायत दे के बाद भी ओमन कोती ले निम्न गुणवत्ता के कार्य करे जाते, उप परियोजना प्रबंधक कोती ले घलो कार्य की गुणवत्ता ऊपर आपत्ति होए है। परियोजना प्रबंधक कोती ले मई 2018 मा सड़क निर्माण में बरते जात अनियमितता के संबंध में महाप्रबंधक CGRDC रायपुर और बिलासपुर ला सूचना दे है, फिर जून 2018 तक कोनो कार्यवाही नहीं करेगी। देवांगन हा कहिस के मार्ग के निर्माण में अनियमितता प्रारंभ ले ही करे जाते, मार्ग के दोनों कोती 100-100 मीटर के अंतराल में पत्थर नहीं लगाए गए है, कलवर्ट लेआउट दे के खुदाई कर दे गए है, डायवर्जन बोर्ड रिफ्लेक्टिंग रोप और टेप सेफ्टी के कोनो व्यवस्था नहीं करे गए है, पुराना सड़क ला बिना उखाड़े ही ओखर ऊपर नवा सड़क के निर्माण प्रारंभ कर दे गए है। मार्ग निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामग्री के उपयोग करे जाके अनियमितता करे जाते। मंत्री जी से ध्यानाकर्षण के माध्यम से जांजगीर चांपा जिले से होकर गुजरने वाली 40 किलोमीटर सड़क 91 करोड़ की लागत से जो बन रही है उसमें हो रही अनियमितता के संबंध में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था, जिसमें ये जानकारी माननीय मंत्री जी ने दी कि इसके लिए नियमित लैब के माध्यम से मिट्टी परीक्षण किया जाता है, लेकिन मेरे द्वारा पूछे जाने पर वे ये बताने में असमर्थ रहे कि कब कब इसका परीक्षण किया गया, पिछले अप्रैल मई और जून में, और वहाँ पर जो मिट्टी इनके अधिकारी वहाँ जब जांच किए शिकायत के बाद में, तो वहाँ मिट्टी जो जो वहाँ पे शोल्डर के रूप में रखा गया था वो गलत गुणवत्ता विहीन मिट्टी रखी गई थी, जिसको कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया और उसे हटाया गया, यह भी उन्होंने स्वीकार की। इस प्रकार प्रदेश में करोड़ों रुपए निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और ये सीपत बलौदा होते उर्गा तक के मार्ग में यह बात भी देखने को मिली। कांग्रेस विधायक के सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री राजेश मूणत था आसंदीला जवाब देते हुए कहिस
कि जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत सीपत बलौदा उर्गा मार्ग लंबाई 41.26 किलोमीटर, लागत 90.73 करोड़, ठेकेदार मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल कोतीले निर्माण करे जाते। मंत्री हा रोड निर्माण ऊपर लापरवाही और घटिया निर्माण ला सिरे ले खारिज कर दी। मंत्री हा कहे इसके मार्ग के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षक हेतु प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट नियुक्त करे गए है और ओखर इंजीनियर मन कोतीले हर स्तर में उपयोग करे जाए वाले सामग्री और कार्य के निर्धारित मापदंड के अनुरूप जांच करे जाते। समय समय में मार्ग के निरीक्षण छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभियंता मन कोतीले घलो करे जाते। सत्य ये है कि उप परियोजना प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक कोतीले समय समय में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण करेगी और उमन कोतीले अपन निरीक्षण के दौरान यदि कोनो ऐसन कमी पाएगी जेकर भविष्य में सड़क की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकत है तो ओखर उल्लेख अपन प्रतिवेदन मां करेगे है और ठेकेदार ले उपरोक्त कार्य के सुधार घलोक कराइए है। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। एक खास ब्रांड के बियर के ज्यादा बिके के मामला में अब कांग्रेस हा बुधवार के सदन में सरकार लघेरिस। कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल हा प्रश्नकाल के दौरान ये मामला ल उठाइस और आबकारी मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट हो के विपक्ष हा सदन ल उठ के चल दिस। सदन में बुधवार के शराब ला लेके विपक्ष हा सरकार ला कटघरे में खड़ा करे की कोशिश कर रहे। कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल हा प्रश्नकाल के दौरान कहे कि प्रदेश में बियर के लैंडिंग रेट 40-50 रुपए के है, फिर इला बेचे के रेट 140 रुपए है। बघेल हा ये भी पूछे कि बियर के बिक्री में कमी कैसे आगे है। भूपेश बघेल हा अपन पूरक प्रश्न में मंत्री ले सिम्बा और सुमो ब्रांड के बियर के बिक्री ऊपर सवाल दागे। संगे संग दूसर ब्रांड के बियर के तुलना में 80-90% बियर सिम्बा और सुमो ब्रांड के ही बेचे जाए के बाद पेशा कहेस। आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल हा कहेस के लैंडिंग प्राइस आए के बाद सरकार के ड्यूटी चार्ज जुट जाते है। ये व्यवस्था जब ले सरकार चलते तब ले चले आ रहे है। हाईवे मा शराब बिक्री मा लगाए गए प्रतिबंध और सरकार के नवा शराब नीति के सेती बिक्री मा कमी घलो आगे है। सरकार के यही कोशिश रहेस की कोचिया प्रथा बंद हो। मंत्री हा बताए की 2016-17 मा 26,50,652 पेटी और 2017-18 मा 19,52,639 पेटी बियर बेचेगी। आबकारी मंत्री हा सिम्बा और सुमो ब्रांड के बियर के बिक्री ऊपर कहेस की डिमांड और सप्लाई के आधार में ग्राहक जिला पसंद करते ओखर सप्लाई करे जाते। प्रदेश में सरकार 40 रुपये में बियर की बोतल खरीदती है और 130 रुपये में बेच रही है। आम जनता के स्वास्थ्य की कीमत पर सरकार पैसा कमा रही है। दूसरी तरफ जो उपभोक्ता है, जो डिमांड है, उसके आधार पे नहीं बल्कि एक ही कंपनी के शराब को बेच रही सरकार। और अभी स्थिति ये है, किसी भी सरकारी दुकान में चले जाइए आपको दूसरे ब्रांड की बियर नहीं मिलेगी, केवल सिम्बा और सुमो यही बियर मिलती है। तो क्या सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कोई इनकी मिलीभगत है, सांठगांठ है या उनके हिस्सेदारी है जिसके कारण से सरकार केवल एक ही ब्रांड की शराब को बियर को बेच रही है? सरकार उत्तर नहीं दे पा रही है। भूपेश बघेल हा एक ही ब्रांड के सप्लाई मां भाजपा के नेता के शेयर होए के बाद कहे पर मंत्री हा एला तथ्यहीन आरोप बताइस। संगे ही कहेस के भूपेश बघेल यदि प्रमाण दे तो निश्चित तौर मां कार्यवाही करे चाहिए। संगे संग पूर्ण शराबबंदी के समय सीमा मां मंत्री अमर अग्रवाल हा एला व्यापक परीक्षण के मामला बताइस जेकर ऊपर मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट विपक्ष हा सदन ने वॉकआउट कर दीस। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। देश भर के किसान मन ला मोदी सरकार हा बड़े तोहफा दे है। केंद्र सरकार हा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य ला 200 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा दे है। ये फैसला ले छत्तीसगढ़ के किसान मन के संग देश के करोड़ों किसान मन ला फायदा होही। बहुत पहली ले ही छत्तीसगढ़ सरकार के संग मा और दूसर राज्य के सरकार हा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य ला बढ़ाए के मांग करे रही। छत्तीसगढ़ में विपक्ष हा घलो रमन सरकार ऊपर ये बात ला लेके कटाक्ष करीस कि यूपीए सरकार के समय धान के समर्थन मूल्य ला बढ़ाए बर शोर मचाने वाला बीजेपी सरकार हा अब मोदी सरकार आए के बाद समर्थन मूल्य ला बढ़ाए के मुद्दा मा खामोश बैठे है। एति कांग्रेस हा एमएसपी बढ़ाए के बात ला ऊट के मुंह मा जीरा कहावत ले जोड़ दे है। भूपेश बघेल हा मीडिया ले कहीस कि चुनावी माहौल ला और तरजीह दे बर सिगुफा किसान मन पर छोड़ दे है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भाव बढ़ाया गया है।
पिछले 5 वर्षों में केवल 50 रुपये की दर से ये बढ़ाए थे, इस साल चुनाव है इस कारण से 200 रुपये किए हैं। ये किसान के हितैषी तो हो नहीं सकते, क्योंकि 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी लागू करेंगे, उत्पादन लागत के 1.5 गुना हम रेट देंगे, लेकिन उसको तो लागू किया नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 2100 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन 5 साल बीतने जा रहा है, 2000 भी नहीं पहुंच पाया है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। अब बेरा हो गया।